दोस्तों आज के इस वीडियो में 10 ऐसे देशों के बारे में बताऊंगा जहां भारतीय करेंसी की वैल्यू बहुत ज्यादा है, यानी किस देश में हमारा रुपया डॉलर जैसा महंगा है, ये आप इस वीडियो में जानोगे। दोस्तों इस लिस्ट में 10वें नंबर पर है युगांडा। युगांडा की मुद्रा का नाम है युगांडन शिलिंग और यह जो देश है यह पूर्वी अफ्रीका में स्थित एक लैंडलॉक देश है, यानी कि यह चारों तरफ से जमीनों से घिरा हुआ देश है। आसपास कोई समुद्र भी नहीं है। इसके पूर्व में केन्या, उत्तर में सूडान, पश्चिम में कांगो जैसे देश मौजूद हैं और यह एक बहुत ही गरीब देश है। दोस्तों वहां पर हमारे एक रुपए की कीमत 51.65 युगांडन शिलिंग के बराबर है। तो आप समझ सकते हैं कि वहां पर हमारी मुद्रा की वैल्यू कितनी है। 9वें नंबर पर है कंबोडिया। दोस्तों कंबोडिया दक्षिण पूर्वी एशिया का भाग है और यह थाईलैंड, वियतनाम और मलेशिया जैसे देशों से घिरा हुआ है। साथ में कंबोडिया जो अपनी खूबसूरती और पुरातन इतिहास के लिए जाना जाता है और दुनिया का सबसे सुप्रसिद्ध अंकोरवाट मंदिर भी कंबोडिया में ही है। दोस्तों कंबोडिया में हमारे देश की एक रुपए की कीमत 56.47 कंबोडियन रियाल के बराबर है, यानी कि अगर आप 10,000 भारतीय रुपए लेकर भी कंबोडिया जाते हैं तो मजे से पूरा देश घूम सकते हो। 8वें नंबर पर है पैराग्वे। ये दक्षिण अमेरिका के मध्य भाग में बसा हुआ देश है। यह दुनिया के उन चंद देशों में से एक है जिसकी सीमाएं समुद्र को नहीं छूती, यानी कि यह भी एक लैंडलॉक देश है। पैराग्वे जो है वो प्रकृति के बहुत ही करीब है। यहाँ के घने जंगल और जंगली जीवों के तमाम प्रजातियां पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करती हैं। लेकिन दोस्तों पैराग्वे में एक भारतीय रुपए की कीमत 85.64 पैराग्वियन गौरानी के बराबर है, यानी कि यह भी आपके लिए खूबसूरत डेस्टिनेशन हो सकता है। 7वें नंबर पर है उज्बेकिस्तान। सोवियत रूस से अलग हुआ यह देश ताशकंद, समरकंद और बुखारा जैसे शहरों के लिए मशहूर है। यहाँ उज्बेकिस्तान सोम नाम की मुद्रा चलती है। यहाँ भारत के एक रुपए की कीमत 118.08 उज्बेकिस्तान सोम के बराबर है। चारों तरफ से जमीन से घिरे इस देश में देखने वाली कुछ जगह नहीं है। दोस्तों 6वें नंबर पर है लाओस। लाओस जो है दक्षिण पूर्व एशिया में स्थित एक देश है। इसकी सीमाएं उत्तर पश्चिम में म्यांमार और चीन से पूर्व में कंबोडिया, दक्षिण में वियतनाम और पश्चिम में थाईलैंड से मिलती है। इसे हजार हाथियों की भूमि भी कहा जाता है। यह देश मेकांग नदी और पहाड़ों के लिए फेमस है। यहाँ बुद्ध मॉनेस्ट्री भी आकर्षण का केंद्र है। यहाँ पर भी हमारे देश की मुद्रा की कीमत बहुत ज्यादा है। यहाँ एक भारतीय रुपए की कीमत 120.82 लाओकिप के बराबर है। लाओकिप यहाँ का मुद्रा का नाम है। इससे भी अच्छी बात यह है दोस्तों कि यहाँ वीजा ऑन अराइवल की सुविधा भी मौजूद है, यानी कि आपको यहाँ जाने के लिए डायरेक्ट वीजा लेने की जरूरत नहीं है। वहाँ एयरपोर्ट पर भी उतर कर आप वीजा ले सकते हो। 5वें नंबर पर है गुइनिया। यह पश्चिम अफ्रीका का एक बहुत ही गरीब देश है। यहाँ पर भारत के एक रुपए की कीमत 128.38 गुइनियन फ्रैंक के बराबर है। और 4थे नंबर पर आता है इंडोनेशिया का नाम। बाली, जावा, सुमात्रा जैसे समुद्री द्वीपों वाला देश इंडोनेशिया सुदूर पूर्व में ऑस्ट्रेलिया के पास है। यहाँ भी भारतीय रुपए के जलवे हैं। दोस्तों हर साल लाखों भारतीय इंडोनेशिया घूमने के लिए जाते हैं। आप भी बहुत ही कम पैसों में इंडोनेशिया की यात्रा कर सकते हो। आपको जानकर हैरानी होगी कि इंडोनेशिया में एक भारतीय रुपए की कीमत 197.30 इंडोनेशियन रुपया के बराबर है। दोस्तों रुपए की इसी मजबूती के कारण आपकी इंडोनेशिया की यात्रा बहुत ही सस्ते में नहीं पड़ सकती है। 3रे नंबर पर है वियतनाम। दोस्तों वियतनाम के मुद्रा का नाम है वियतनामी डोंग और यहाँ भारत के 100 रुपए की कीमत आज की डेट में 32,666 वियतनामी डोंग है, यानी कि 1 रुपए की कीमत है 326.66 वियतनामी डोंग। दोस्तों वियतनाम बहुत ही खूबसूरत स्थान है। यह देश प्रकृति के बहुत करीब है। वियतनाम में घने बरसाती वन हैं और तमाम नदियां हैं जिसके कारण इसे पानी का देश भी कहा जाता है। इसके अलावा यहाँ बहुत ही बड़ी बड़ी प्राकृतिक गुफाएं भी मौजूद हैं। दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी कि वियतनाम के लिए भारत से उड़ानें भी काफी सस्ते दाम में जाती हैं और आपको यहाँ पर एक दिन का रहने खाने और घूमने का खर्च सिर्फ 800 से 900 भारतीय रुपए के बराबर पड़ेगा। दोस्तों इस लिस्ट में 2रे नंबर पर ईरान का नाम आता है। मिडिल ईस्ट में भारत का सहयोगी देश
ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और इराक जैसे देशों से घिरा हुआ है। यहाँ तेल और प्राकृतिक गैस का अपार भंडार है। हाल ही में अमेरिका द्वारा इस पर कई तरह के प्रतिबंध लगाए जाने के कारण यहाँ की अर्थव्यवस्था में भारी गिरावट दर्ज की गई है, जिसकी वजह से यहाँ की मुद्रा निम्न स्तर पर पहुंच गई। दोस्तों, आज भारत की एक रुपए की कीमत 592.73 ईरानियन रियाल के बराबर है। विश्व की सबसे पुरानी मेसोपोटामिया की सभ्यता और सबसे शक्तिशाली फारस साम्राज्य का अंग होने के वजह से यहाँ जगह जगह पर ऐतिहासिकता बिखरी हुई है। दोस्तों, यहाँ बहुत सारे ऐतिहासिक स्थल हैं जिन्हें देखने के लिए पूरे विश्व से यहाँ लोग आते हैं। इस लिस्ट में नंबर वन पर है सियेरा लियोन। यह एक पश्चिमी अफ्रीकी देश है और यह दुनिया के कुछ गरीब देशों में से एक है, जिसकी अर्थव्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है। लगभग खत्म हो चुकी अर्थव्यवस्था के वजह से यहाँ गरीबी, बेरोजगारी और अपराध बहुत ज्यादा हैं। यही वजह है कि यहाँ भारत की एक रुपए की कीमत 669.81 सियेरा लियोन के बराबर है। इसके अलावा श्रीलंका, नेपाल, हंगरी, मंगोलिया जैसे देश भी हैं जहाँ पर भारत की एक रुपए की कीमत वहाँ की करेंसी में ज्यादा है, और ऐसे देशों में आप मजे से घूम सकते हो और वो भी कम खर्चे पे। तो दोस्तों, इन देशों में से आप कौन सा देश जाना घूमना पसंद करोगे, आप कमेंट्स कर जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगी हो, जानकारी अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों का शेयर कर देना और जाते जाते वीडियो को लाइक करते हुए जाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज़।